बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री और बीजेपी सांसद किरण खेर बीते साल से ब्लड कैंसर से जंग लड़ रही हैं। हालांकि अब किरण खेर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद आप भी उनके जज्बे की दाद देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ब्लड कैंसर के खिलाफ जारी जंग के बीच जिंदा दिल किरण खेर ने छोटे पर्दे पर कमबैक करने का फैसला लिया है। जी हाँ, फेमस रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन के साथ ही किरण खेर की भी वापसी होने जा रही है। इस बात का खुलासा खुद किरण खेर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में किया है। साथ ही ये भी बताया है कि एक बार फिर से शो से जुड़ने और स्टेज पर लौटने के लिए वो कितनी एक्साइटेड हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट का नया सीजन इस बार सोनी टीवी पर शुरू होने वाला है। शिल्पा शेट्टी और रैपर बादशाह का नाम पहले ही शो के मेकर्स की तरफ से फाइनल कर लिया गया था। शो के कुछ प्रोमोस भी आउट हो चुके हैं। वहीं अब तीसरे जज के तौर पर किरण खेर का नाम भी फाइनल हो गया है। शो के स्टेज पर वापसी के बारे में बात करते हुए किरण ने कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। इस प्रतिष्ठित टैलेंट रियलिटी शो के साथ मेरा 9वां साल होने के नाते जूरी सदस्य के रूप में वापसी करना एक अद्भुत अनुभव है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर वापस आ रही हूँ। शिल्पा और बादशाह से पहले किरण खेर के साथ अन्य दो जजेस की जिम्मेदारी मलाइका अरोड़ा और करण जौहर निभाते थे, लेकिन अब इन्हें शिल्पा और रैपर बादशाह ने रिप्लेस कर दिया है। बता दें कि इस साल जनवरी की शुरुआत में ही अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी थी कि उनकी पत्नी किरण खेर मल्टीपल माइलोमा, जो कि ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार है, उससे पीड़ित हैं। मुंबई के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वो धीरे धीरे रिकवरी कर रही हैं। इसके साथ ही अनुपम खेर ने अपनी पत्नी को फाइटर भी बताया था। अनुपम खेर के इस खुलासे के बाद से ही फैंस किरण खेर के जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआएं करने लगे थे। हालांकि कैंसर की शिकार किरण खेर अफवाहों की शिकार भी हुई। मई के महीने में अचानक सोशल मीडिया पर किरण खेर की निधन की खबरें वायरल हो गई थी। यूजर सोशल मीडिया पर किरण की फोटो शेयर कर एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि देने लगे। नतीजा ये हुआ कि इन अफवाहों पर रोक लगाने के लिए खुद अनुपम खेर को आगे आना पड़ा। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अनुपम खेर ने बताया कि किरण खेर पूरी तरह ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। साथ ही अनुपम खेर ने हाथ जोड़कर फैंस से रिक्वेस्ट भी की कि इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। बहरहाल अब किरण खेर रिकवर कर चुकी हैं और छोटे पर्दे पर कमबैक के लिए भी तैयार हैं और फैंस को बेसब्री से इंतजार है इंडियाज गॉट टैलेंट के नए सीजन के शुरू होने का, जब शिल्पा शेट्टी और बादशाह के साथ तीसरे जज के तौर पर लौटेंगी किरण खेर। ब्यूरो रिपोर्ट E24।